हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ ग्लास स्किन रेमेडी शेयर कर रही हूँ कि जिनकी स्किन बहुत ज्यादा डल है, यानी कि ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, ये अनइवन स्किन हो गया है, स्किन में बहुत ज्यादा बम्स हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं चेहरे पे, तो ये बहुत ही खराब दिखता है, बहुत बिल्कुल ही स्मूथ नहीं होता है, अनइवन होती है स्किन। तो इस रेमेडी से आपके चेहरे को बहुत स्मूथ बनाएगा आपके चेहरे को। अगर नोटिस कीजिएगा, जो बच्चे की जो स्किन होती है तो उनकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ग्लोई होती है, यानी कि कोई भी पोर्स वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो चाहते हैं कि हमारा भी स्किन उस तरह से हो, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे चेहरे पर बहुत तरह का केमिकल प्रोडक्ट हम लोग अप्लाई करते हैं अपने चेहरे पर, फाउंडेशन, पाउडर, क्रीम, तरह तरह के फेस वॉश, तो जिस वजह से बहुत सा का स्किन में सूट नहीं करता है, बहुत लोग स्किन डैमेज होने लगती है धीरे धीरे। तो वो लोग चाहते हैं कि अपनी स्किन का अगर ख्याल नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनका स्किन और दिन ब दिन डल होने लगेगा। तो इसलिए मैं आज आपको नेचुरल और होम रेमेडियल लेके आई हूँ जिसको आप यूज करके अपने चेहरे को ग्लास स्किन दे सकते हैं, यानी कि स्मूथ टेक्सचर बना सकते हैं। मेडी तो बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी है। रेमेडी बनाने के लिए आपको बाहर से कोई भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, इसीलिए घर पे ही अवेलेबल होता है, तो उससे ही मैं आपको रेमेडी बनाने का तरीका बता रही हूँ। चलिए तो वीडियो को देखते हैं कैसे वो बनाना है इस रेमेडी को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल है इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड आपको ले लेना है और इसे अच्छी तरह से उबाल ले आप एक कप पानी में से आपको उबाल लेना है, जब तक ये जेल फॉर्म में ना हो जाए। उसके बाद एक छन्नी से या फिर एक कॉटन के कपड़े से इसे छान लेना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ इवियोन, यानी कि वाइटमिन ई कैप्सूल में एक ले लेना है आपको, एक या दो ले सकते हैं, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लैक्सीड में होते हैं विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन बी जैसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके स्किन पोर्स को मिनिमाइज करते हैं, आप स्किन को लाइट करते हैं, आपके कॉम्प्लेक्सन को फेयर करते हैं और आपके स्किन को बहुत ज़्यादा लाइट और ब्राइट बनाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं ली हूँ चावल का इस तरह से पेस्ट। आपको चावल पेस्ट बनाने के लिए क्या करना है, 2 चम्मच चावल लेना है, इसे रात भर भिगो देना है, उसके बाद सुबह इसे पीस लें। इस रेमेडी में मैं वही यूज़ की हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं पूरा प्रोसेस नहीं दिखाई आपको। इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है और ये बहुत ही स्मूथ मतलब होता है, अगर अपने स्किन पर इसे अप्लाई करेंगे तो आपका चेहरा ना एकदम चमकने लगेगा। अब इसे आपको मैं दिखा सकती हूँ अपने हाथों पर भी लगा के, देख सकते हैं मेरे हैंड कितना शाइन कर रहे हैं। तो देखिए चावल में क्या होते हैं, चावल में विटामिन होते हैं, फाइबर होते हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज होते हैं, जो आपकी एंटी एजिंग को रिड्यूस करते हैं, आपके स्किन को बहुत ज़्यादा लाइट करते हैं। पैक लगाने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर ले, उसके बाद इस फेस पैक को लगाएं। आप यूज कीजिएगा तो आपकी स्किन में टैन है, अगर पिंपल्स के मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और सन डैमेज हो गया है, ड्राई स्किन हो गया, तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपकी स्किन टेक्सचर को स्मूथ बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा, जिस तरह से कोरियन स्किन होती है। कोरियन स्किन हमारे देखिए और नोटिस कीजिए ग्लोई होता है, क्योंकि वो बचपन से अपने स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप भी अपने चेहरे का थोड़ा ध्यान दें, अच्छे से पानी पिएं, फल फ्रूट्स नट्स वगैरह खाएं और अपने स्किन का भरपूर ख्याल रखें, यानी कि वीक में कम से कम सप्ताह में एक बार कोई भी होम रेमेडी अपने चेहरे पर जरूर लगाएं और अपने स्किन का केयर करें। आप इस फेस पैक को 15 मिनट तक लगे रहने दें, 15 मिनट के बाद जब अच्छे से सूख जाए उसके बाद अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद मैं इसे क्लीन कपड़े से यानी कि गीले कपड़े से अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है, मतलब मेरा चेहरा बहुत ही ग्लो कर रहा है। तो ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करें और आप देखिएगा एकदम ग्लास स्किन हो जाएगा आपका चेहरा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। चलिए फिर बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।